देखो ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर कस्टम। अच्छा, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? तो जब हम लोग गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या पे करते हैं? बोलो, बीसीडी, और आईजीएसटी। अगर जो गुड्स हम लोग ने इंपोर्ट किए वही गुड्स को हम लोग क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, जब जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए थे उस टाइम पे जो आपने कस्टम ड्यूटी पे किया था उसमें से कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट रखेगा और कुछ परसेंटेज अपने को क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। रिफंड जो करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्रॉ मतलब विड्रॉ करना, बैक मतलब वापस से लेना, तो कौन सा? ड्यूटी। ठीक है, अभी इसमें कुछ सेक्शन है, तो सेक्शन 74, सेक्शन 75 और सेक्शन 75A इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 74 क्या बोलते हैं? द ड्रॉबैक ड्यूटी अवेलेबल ऑन रीएक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन गुड्स। रीएक्सपोर्ट मतलब क्या? मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, गुड्स इंपोर्ट करने के बाद मैं वो गुड्स को क्या कर रहा हूँ? यूज कर रहा हूँ। अभी दो पर्पस के लिए हो सकते हैं, या तो फिर पर्सनल पर्पस के लिए हो सकते हैं या तो फिर बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो कितना टाइम, और बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया तो मुझे कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, वो किसमें बोला है? सेक्शन 74 में। सेक्शन 75 क्या बात करते हैं? तो ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। मतलब हम लोग ने गुड्स इंपोर्ट किया और वो गुड्स इंपोर्ट करके मैं उससे कुछ चेंज कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, प्लास्टिक इंपोर्ट किया, फिर प्लास्टिक इंपोर्ट करने के बाद प्लास्टिक के कोई मटेरियल बना रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर बना दिया प्लास्टिक का, ठीक है, ऊपर का कवर। ठीक है, ये कवर बना के मैं क्या कर रहा हूँ सर? एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे बताओ सर, ये जो प्लास्टिक मैंने इंपोर्ट किया उसी को एज अ रॉ मटेरियल मैंने ये फिनिश गुड्स में यूज किया और यही डस्टर को मैं क्या कर रहा हूँ सर? एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये वाले केस में ये जो प्लास्टिक है वो मेरा इंपोर्ट था और इसमें मैंने क्या पे किया था सर? ड्यूटी पे किया था। तो जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो गवर्नमेंट बोलता है ये जो प्लास्टिक आपने इंपोर्ट किया था इस टाइम पे जो आपने ड्यूटी पे किया था उसको आपको क्या मिल जाएगा? ड्यूटी ड्रॉबैक। वो सेक्शन कौन से नंबर में बोलते हैं? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक मतलब जो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलने वाला है उसका टाइम पीरियड में आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अभी समझने की कोशिश करते हैं 75 क्या बोलते हैं और 75 ये 74 क्या बोलता है और 75 क्या बोलते हैं। तो 74 सेक्शन 74 क्या बोलता है हमारा? रीएक्सपोर्ट गुड्स बिफोर और आफ्टर यूज, मतलब बिफोर या फिर आफ्टर यूज होगा तो अपने को ड्यूटी ड्रॉबैक किस किस का मिल जाएगा? तो से फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इंडिया से मैंने गुड्स क्या किया? इंपोर्ट किया, तो इस पे क्या लगेगा? बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, आईजीएसटी और उसका सेस। तो टोटल कितना लगा? 3,18,000। ठीक है, ये रिफंड होगा अगर मैं क्या करूंगा सर? रीएक्सपोर्ट आफ्टर यूज या फिर बिफोर यूज। अच्छा, सेक्शन 75 क्या बोलता है? इंपोर्ट किया मैंने गुड्स और उसको क्या किया? एक्सपोर्ट किया। तो ये वाले केस में सर, अच्छा ये भी है ना सेक्शन 75 74 है, ये भी 74 है, दोनों भी 74 है। मैंने गुड्स इंपोर्ट किया और वापिस से इसको क्या किया? एक्सपोर्ट किया, बट रिफंड क्या मिलेगा अपने को? ड्यूटी। बट ये क्या लिखा है? बिफोर यूज, ये इसके लिए है और ये किसके लिए है? सर विदाउट एनी यूज, मतलब कुछ यूज ही नहीं किया हम लोग ने, डायरेक्टली उसको क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया। बीसीडी, एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी का इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगा, खाली किसका मिलेगा? बीसीडी और एसडब्ल्यूएस। यहां लिखते सर टाइम लिमिट, टाइम लिमिट क्या है? तो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ड्यूटी ड्रॉबैक। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है, मैंने कार इंपोर्ट किया मर्सिडीज, ठीक है, यूएसए से मैंने मर्सिडीज इंपोर्ट किया, उसको मैंने यूज किया, यूज करने के बाद उसको क्या कर दिया? रीएक्सपोर्ट, मतलब दो साल मैंने यूज किया, दो साल के बाद मैंने उसको क्या कर दिया सर? रीएक्सपोर्ट कर दिया। तो रीएक्सपोर्ट, जब मैंने गुड्स इंपोर्ट किया था, मतलब कार इंपोर्ट किया था, तब मैंने टैक्स पे किया होगा, मतलब कस्टम ड्यूटी पे किया होगा। अभी दो साल के यूज के बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो जो मैंने कस्टम ड्यूटी पे किया था उसका कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट अपने पास रखेगा और कुछ परसेंटेज मुझे रिफंड कर देगा। अभी सर इसका टाइम लिमिट क्या है? ये ड्यूटी ड्रॉबैक लेने का टाइम लिमिट क्या है? मैक्सिमम कितने साल तक? इट मींस से फॉर एग्जांपल, आज मैंने गुड्स पर इंपोर्ट किया, मतलब कार इंपोर्ट किया, मैंने दो साल यूज किया और मैंने वापस से क्या कर दिया सर? एक्सपोर्ट कर दिया, किसी एक्स पार्टी को मैंने सेल कर दिया।
बताओ सर मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? यस yes. अच्छा मैंने 3 साल यूज किया तो मिलेगा, 4 साल यूज किया तो मिलेगा, अच्छा समझो 5 साल या 6 साल यूज करने के बाद में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ टाइम लिमिट क्या है ड्यूटी ड्रॉबैक का? 4 साल आप यूज कर सकते हो, 4 साल के बाद अगर आपने यूज करके फिर उसको एक्सपोर्ट किया तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोला है? अच्छा ये तो पर्सनल यूज के लिए होगा, और दूसरा क्या? बिजनेस यूज के लिए। अगर मैंने बिजनेस यूज के लिए किया री एक्सपोर्ट आफ्टर यूज, आफ्टर यूज तो टाइम लिमिट कितना है? 18 मंथ। अच्छा अगर मैं बिजनेस के लिए कार यूज कर रहा हूँ और उसको 18 महीने के पहले, मतलब समझो 1 साल मैंने यूज किया, 1 साल यूज करने के बाद मैंने क्या कर दिया उसको? एक्सपोर्ट कर दिया, तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। मतलब यहाँ मैक्सिमम कितने मंथ तक मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा? 18 मंथ तक अगर मैं यूज करूंगा तो 18 मंथ तक मुझे जो भी आप लोग ने एक्सपोर्ट किया है उसमें अपने को ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। बट समझो 18 मंथ के बाद मैंने एक्सपोर्ट किया जो मैं गुड्स लाया था फॉर बिजनेस पर्पस, तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा क्या? नहीं। नहीं। तो वापिस से देखो, गुड्स इंपोर्ट किया और वापिस हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट। अगर पर्सनल यूज है तो कितना इयर्स? अच्छा बिजनेस के यूज के लिए है तो कितना? इज दैट क्लियर? दूसरा यहाँ क्या है, एनी अदर प्रोडक्ट, मतलब चाहे वो बिजनेस यूज के लिए हो चाहे पर्सनल यूज के लिए हो, पर्सनल यूज या फिर बिजनेस यूज, री एक्सपोर्ट बिफोर यूज, मतलब यूज ही नहीं किया सर, डायरेक्ट हम लोग ने क्या कर दिया? री एक्सपोर्ट कर दिया, तो टाइम लिमिट कितना है? 2 इयर्स। मतलब हम लोग ने इम्पोर्ट किया, वेयर हाउस में रखा रहेगा, 2 साल तक का टाइम है, 2 साल में उसको क्या कर दो सर? री एक्सपोर्ट कर दो, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। अब यहाँ देखो परसेंटेज है कि अपने आपको कितना परसेंटेज मिलेगा। यहाँ सबसे पहले सेक्शन 74 क्या बोलता है? ड्रॉबैक ड्यूटी अलाउएबल ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड। मतलब अगर कोई गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसको वापस से क्या कर रहे हैं सर? हम लोग री एक्सपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 क्या होता है? द गुड्स शुड बी इजीली आइडेंटिफाइबल। मतलब जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया था और उसी गुड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। मतलब समझो आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, उसके बाद ये डस्टर बना रहे, अगर प्लास्टिक ग्रे कलर का आपने इंपोर्ट किया तो डस्टर का भी कौन सा कलर होना चाहिए? ग्रे, ताकि इजीली आइडेंटिफाइबल हो कि ये जो प्लास्टिक उसने इंपोर्ट किया वही प्लास्टिक इसमें क्या किया है? यूज किया है, तो ही आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोला है? द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड शुड नॉट बी लेस देन द ड्यूटी। मतलब समझो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है 1 लाख का, ठीक है, उस पे ड्यूटी और मैंने पे किया था से फॉर एग्जांपल 10,000 का, तो मेरा कस्टम ड्यूटी कितना हो गया सर? 1 लाख का। अभी यही गुड्स को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? एक्सपोर्ट। तो सर एक्सपोर्ट करूंगा ना, इसका वैल्यू 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए? अगर बेसिक ड्यूटी मतलब कस्टम ड्यूटी से अगर उसका वैल्यू कम है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 3 क्या बोलता है? The amount of duty drawback is at least कितना? मतलब minimum 50 रुपया होना चाहिए, ठीक है? 50 रुपया रहेगा तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, अगर 25-30 रुपए के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है, ठीक है? उसके बाद देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बोला है? तो 4 इयर्स का पीरियड, 4 इयर्स का पीरियड मतलब ये वाला कि हम लोग ने पर्सनल यूज के लिए क्या किया सर? री एक्सपोर्ट किया, तो कितना परसेंट मिलेगा? यहाँ क्या बोला है? अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, इधर जितना ड्यूटी हम लोग ने पे किया जब इंपोर्ट किया था तब जो कस्टम ड्यूटी पे किया उसका अमाउंट इधर आएगा। अभी यहाँ परसेंटेज दिया है, एक साल आपने यूज किया तो पर क्वार्टर आप कितना मार? 4% माइनस। इसका मतलब क्या? समझो कोई गुड्स है मैंने 1 ही साल यूज किया तो कितना परसेंट मिलेगा सर? पर क्वार्टर 4%, तो 4 × सर 1 क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का। पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 4% मल्टीप्लाई कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर, तो कितना हो गया सर? 4×4=16। मतलब मुझे 16% मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या क्या मिलेगा? तो सर मैंने ड्यूटी कितना परसेंट पे किया रहेगा? 100%, उसमें से मैं माइनस कितना करूंगा? 16%, तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिल जाएगा? 84%। मतलब जो भी ड्यूटी पे किया रहेगा उसका ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा मुझे? 84%। अरे समझा क्या? अच्छा अगर मैंने 2 साल यूज किया, कितने साल यूज किया? 2 साल, तो 2 साल यूज किया तो 3% पर क्वार्टर, तो ये देखो 4×4 क्वार्टर, बाद में कितना परसेंट? 3% इंटू कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर, तो कितना आएगा सर? मल्टीप्लाई करो 12
अरे है ना, तो टोटल कितना परसेंट माइनस करने मिलेगा, 16 प्लस 8 है कितना आएगा 28. तो सर 100 परसेंट में से मैं कितना माइनस कर दूंगा 28, तो कितना हो जाएगा 72%. तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक कितना परसेंट मिलेगा 72. अरे इज दैट क्लियर? अच्छा अगर 3 साल रहेगा तो सर 3 साल 2.5 पर क्वार्टर, और 4 ईयर होगा तो 2.5 पर क्वार्टर. इसका मतलब सर अभी मैं परसेंटेज अगर फाइंड आउट करूं तो 4 × 4 कितना आ जाता है 16%. अच्छा इधर 3 × 4 कितना परसेंट 12%. अच्छा इधर 2.5 × 4 10, और इधर 2 × 4 कितना हो गया 8. एडअप करो ना कितना परसेंट होता है 46. कितना करता है ये 10 20 30 40 कितना परसेंट ऑफ ड्यूटी अपने को ड्रॉबैक मिलेगा 46. ये कितना परसेंट पे किया होगा हम लोग ने 100%. तो सर अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिलेगा अपने को 100% माइनस 46% कितना परसेंट होगा 54% का हम लोग को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा अगर मैं 4 साल पूरा यूज करके फिर क्या करता उसको री एक्सपोर्ट करता. अच्छा 4 साल के बाद अगर मैं री एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा क्या? नहीं. केस नंबर 1 समझा? यस. अगर मैं गुड्स इंपोर्ट करता हूं फॉर व्हिच यूज पर्सनल यूज और वापस से उसको क्या करता हूं एक्सपोर्ट करता हूं तो मैक्सिमम मुझे कितने साल तक मिल सकता है 4 साल. कितना परसेंट मिलेगा सर? अच्छा मैंने 21 साल यूज किया तो 21 साल का माइनस कर देगा, मैंने 2 साल यूज किया तो 2 साल का माइनस कर देगा. अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है सर 1 साल मैंने यूज किया दूसरे साल का सिर्फ 2 ही क्वार्टर यूज किया तो 1 साल का 16%, दूसरे साल का 2 ही क्वार्टर ले लेगा, 2 क्वार्टर लोगे तो कितना परसेंट आएगा 6%. तो फिर ये दोनों को ऐड करके फिर आप माइनस कर सकते. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इधर क्या बोला है केस नंबर 2. केस नंबर 2 में क्या बोलते हैं टाइम पीरियड फॉर री एक्सपोर्ट मतलब कौन से यूज के लिए सर? बिजनेस यूज के लिए. मैं री एक्सपोर्ट करता हूं तो टाइम लिमिट कितना है सर? 18 months. देखो यहां क्या था पता है हम लोग ने 100% में से ये जो परसेंटेज था वो क्या किया था माइनस किया. यहां हम लोग ने क्या बोला है द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो पता है उसको वेयरहाउस में रखते हैं. वेयरहाउस से या तो फिर हम लोग री एक्सपोर्ट करते हैं या तो फिर क्या करते हैं होम कंजम्पशन मतलब अपने बिजनेस के प्लेस पे लेकर जाते हैं. अगर समझो अपने बिजनेस के प्लेस पे लेकर गया वो ठीक है उस दिन का डेट उसके बाद क्या लिखा है द डेट व्हेन द गुड्स आर प्लेस अंडर द कस्टम कंट्रोल फॉर एक्सपोर्टेशन. इसका मतलब क्या समझो मैंने जिस दिन गुड्स इंपोर्ट किया उस दिन का डेट से लेकर मैं अपने बिजनेस प्लेस पे लेकर गया रहूंगा कुछ तो यूज किया रहेगा फिर उसको जिस दिन कस्टम स्टेशन पे लेकर आया और कस्टम डिपार्टमेंट ने उसको सेंशन कर दिया कि अभी ये गुड्स क्या होगा एक्सपोर्ट होगा वहां से लेकर वो पूरा डेट मतलब जिस दिन आपने होम कंजम्पशन के लिए लेकर गए और वापस से गुड्स लेकर आए ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना उसमें से अगर समझो 0 to 3 months टाइम पीरियड कितना है सर 0 to 3% तो परसेंटेज ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिल जाएगा डायरेक्ट 95% ना. इधर माइनस करने की जरूरत नहीं है 100% में से आपको वापस से रिटर्न कितना मिल जाएगा 95. अगर आपने वो जो गुड्स से कितने महीने यूज किए 3 months. अच्छा सर 2 months यूज किए तो भी कितना मिलेगा 95. अच्छा 3 months यूज किया तो भी 95. अच्छा 3 months 1 day किया है तो कितना मिलेगा 85. क्यों बिकॉज इधर बोले अबाउट 3 months मोर देन 18 months तो क्या मिलेगा कुछ भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा. अच्छा सर क्या हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है. तो ये केस नंबर कौन सा होगा 1. केस नंबर 2 री एक्सपोर्ट किया बट कौन से बिजनेस नेक्स्ट क्या लिखा है केस नंबर 3 क्या लिखा है टाइम पीरियड फॉर री एक्सपोर्ट कितना इयर्स 2 years. सर 2 years यहां देखना इधर एनी अदर गुड्स री एक्सपोर्ट बिफोर यूज. बिफोर यूज मतलब हम लोग ने यूज किया कि नहीं किया? नहीं किया ही नहीं सर गुड्स इंपोर्ट किया
उधर ही रखा और वही गुड्स को हम लोग ने क्या कर दिया एक्सपोर्ट, मतलब अपने घर पे लेकर गए क्या, होम कंजम्पशन के लिए बिजनेस प्लेस में लेकर नहीं गए, वही गुड्स को हम लोग एज इट इज क्या कर रहे इसका एक्सपोर्ट कर रहे, तो उसके लिए टाइम लिमिट कितना था सर, अगर वही गुड्स मैंने एक्सपोर्ट कर दिया तो अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कितना रहेगा, मतलब गवर्नमेंट ने खाली कितना परसेंट काटा, 2%, ठीक है। यहाँ अपने को केस दी क्या लिखा है, The duty drawback will not be allowable in the following cases. देखो ये सब के लिए allowable है, but ये जो case है ना, इसके लिए आप लोगों को duty drawback नहीं मिलता। पहला वाला केस क्या है? इधर क्या लिखा है? Re-export of certain goods after use. क्या लिखा है? ये कपड़े, ठीक है? मैंने export किया, ठीक है? ये 1.5 लाख का shirt है, say for example. नहीं, 1.5 लाख का shirt है। मैंने इसको 1 साल पहना और फिर इसको क्या कर रहा हूँ? Export कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, तो वियरिंग अपने इस पे नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है? टी चेस का मतलब क्या होता है बेटा? कवर, चाय पत्ती। टी चेस का मतलब क्या होता है? केबीसी का लास्ट क्वेश्चन साफ करो बेटा, टी चेस मतलब क्या होता है ना, एक वुडन का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर ना टी के पैकेट्स होते हैं या फिर टी के मतलब बोटल्स होते हैं, ठीक है? वो मैंने इंपोर्ट किया और वो जो चेस्ट है ना उसका, चेस्ट मतलब वो बॉक्स, वही मैंने क्या कर दिया सर? एक्सपोर्ट कर दिया, तो सर उस पे भी मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो टी चेस्ट मतलब क्या, जो वुडन का बॉक्स रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टी चेस्ट, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है? सिनेमैटिक ग्राफिक फ्रेम्स, एक्सरे फ्रेम्स और फोटोग्राफिक फ्रेम्स। पता है पहले रील में आता था, मूवी वगैरह है ना, रील्स वगैरह, तो वो रील्स या फिर फोटोग्राफी फिल्म जो भी होगी उसको इंपोर्ट किया और वापिस से उसको यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया तो मिलेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है? पेपर एंड प्लेट्स, पेपर प्लेट्स वगैरह रहेगी, उसको भी हम लोग री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो आप लोग बट ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है? नोट, नोट मतलब सब लोग के लिए क्या लिखा है? गुड्स मे बी एक्सपोर्टेड एज कार्गो, पोस्ट और मतलब कार्गो से हम लोग कर सकते हैं, भाई शिप कर सकते हैं या फिर पोस्ट कर सकते हैं या फिर क्या बैगेज, मतलब हम लोग खुद लेकर जा सकते हैं, इज दैट क्लियर? ठीक है, हाँ कुछ सर, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक सेक्शन 75 का वो बाकी है, बाकी बाकी है 74 वाला, सॉरी कौन सा, ये नीचे वाला, वो अभी करवाया नहीं, वो करवाया नहीं, वो बाकी है, इसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है, तो जब आएगा ना तभी इजीली करवाऊंगा, ठीक है? तो ये आपको पूरा लिखना है और ये सिर्फ थियरी, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बात करेंगे, ठीक है?